मम्मी ने कहा मार्केट से जाके एक अच्छा पोछा ले आओ। तो मैं गया मार्केट, मार्केट तो नहीं गया लेकिन अमेजोन पे गया और एक अच्छा पोछा खरीद लिया और लेके पहुंचा मम्मी के पास। लो मम्मी, मम्मी ने देखा बॉक्स, अच्छा पोछा बॉक्स में आने लगे हैं। कितने का? 10 रुपये का होगा। मैंने कहा 10 रुपये का। फिर मम्मी ने कहा कितने रुपये का? मैंने कहा बस 330 रुपये का। फिर क्या था, उठी हवाई चप्पल और पड़ी मेरे मुंह पे 330 का पोछा, 330 का पोछा। अबे यार वापस क्यों आ गई? 330 में तो साड़ी आ जाती, तुम 330 का पोछा लेके आए हो, क्या खास बात है? तो हे दोस्तों, आप लोग वी फॉर वीडियोस और आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं इस बेहद ही महंगी पोछे को, कपड़े को, कि भाई आखिरकार इसमें क्या खास बात है। तो दोस्तों बेसिकली ये है एक सुपर एब्जॉर्बेंट क्लॉथ, यानी कि एक ऐसा कपड़ा जिसके पानी को सोखने की क्षमता बहुत होती है और इसका यूज़ मेनली कार वगैरह को साफ करने में होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कार तो है नहीं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि केवल कार ही नहीं साफ़ कर सकते, हम लोग जो चीज़ चाहें वो साफ़ कर सकते हैं, पोछ सकते हैं, क्योंकि हमें तो यूज़ लेना है इसकी खासियत का, जो कि है पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता। इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ सिंथेटिक चैमोइस, नहीं ये सैमी है, मैंने फॉरेनर्स का वीडियो देखा तो सैमी पड़ जाते हैं इसको। तो चलिए इसके बॉक्स से ये पोछा निकालते हैं, सैमी टॉवल निकालते हैं और ये पन्नी में पैक है। तो सबसे पहले ये पन्नी को काट के अलग करते हैं और ये रहा हमारा सैमी टॉवल। एक मिनट यार, ये तो गीला है। हाँ ये हल्का सा नम है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने मैदे को सान दिया हो जो कि हल्का सा नम हो। हाँ ये हल्का सा गीला जरूर है, तभी ये इतना सॉफ्ट है। तो इस कपड़े को हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बाल साफ करने में, कार, कांच, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, स्पोर्ट टॉवल, बेबी टॉवल, बाथ टॉवल, बाथ मैट और डस्टर क्लॉथ और क्लीनिंग टूल्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ, फीचर्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस शीशे को एक नॉर्मल कॉटन के कपड़े से और इस स्पेशल कपड़े से पोछ के देखता हूँ क्या फर्क आता है। तो ये गया स्प्रे, सबसे पहले हम कॉटन के कपड़े से पोछेंगे आधा हिस्सा, तो हो गया है साफ इससे भी, और अब इससे चेक करते हैं तो सफाई तो इससे भी हो गई। दोस्तों सबसे पहले इसकी खास बात तो ये मुझे नजर आई कि इसमें रेसे नहीं है, तो रेसे नहीं है तो ये ग्लास में रेसे भी नहीं छोड़ता है, यानी कि अगर हम लोग मोबाइल वगैरह साफ करें तो बिना रेसे के सफाई कर देगा और पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत भी देखने को मिली कि भाई देखो, अगर ग्लास में धूल मिट्टी जमी हुई है तो धूल मिट्टी ये एक किनारे ले आता है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करता है, आपको दिखी होगी, ये देखो, ये देखो इकट्ठा हो गया, तो पानी तो एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन धूल मिट्टी को नहीं इतनी आसानी से। और अगर इसी की जगह हम कॉटन कपड़ा यूज़ करें तो आप लोग देख सकते हैं जो कुछ यहाँ पे रुका हुआ था वो कॉटन के रेसों में फंस के एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबकी अपनी अपनी खास बात और कमियाँ हैं। और दोस्तों अगर हम लोग इसको इसके बॉक्स में नहीं रखते हैं तो भाई सूख के कड़क भी हो जाता है, ये देखो कितना कड़क हो गया है और कितना अजीब लग रहा है। बॉक्स में रहता तो ये हल्का सा नम रहता है जिस वजह से मुलायम रहता है, लेकिन अभी काफी कड़क हो गया है। तो एक बार ही हम लोग इस भीगी हुई मेज को नॉर्मल टॉवल से साफ करते हैं। तो यहाँ पे पानी है और इसमें साफ किया तो देखो यहाँ पे आपको ये देखो पानी की बूंदें दिख रही होंगी एक बारी पोछने पर, नॉर्मल टॉवल से दूसरी बारी पे भी नहीं गई, तीसरी पे चली गई। हाँ अब ये अपनी महंगी वाली टॉवल देखते हैं कितनी बारी पे जाएंगी, और ये मैंने लिया, हाँ आप लोग देख सकते हैं केवल एक ही बार में कुछ भी नहीं बचा, एकदम क्लीन हो गया। तो यही खास बात है इसकी, पानी को सोखने की क्षमता, दोबारा पोछने की जरूरत ही नहीं, एक ही बारी में एकदम क्लीन पानी। दोस्तों इसकी एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि अगर इसे हम यूज करते हैं गंदी होती है और इसे खंगालते हैं और पूरे तरीके से भीगी होने के बाद जब हम लोग इसे वापस से निचोड़ते हैं अच्छी तरीके से, अगर हम निचोड़ लेते हैं
तो भाई ये दोबारा से यूज करने के लिए तैयार है, जबकि अगर इसकी बजाय कोई दूसरी टॉवल होती, भले ही हम लोग इसे जितना भी निचोड़ लें, लेकिन जब तक ये सूखेगी नहीं तब तक हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं पानी पोंछने में, लेकिन इसका यूज हम लोग तुरंत का तुरंत पानी पोंछने में कर सकते हैं। देखो ये हाथ से निचोड़ी हुई टॉवल और इससे मैंने पोंछा तो यहाँ पे आपको पानी के निशान दिख गए, लेकिन ये भी हाथ से निचोड़ी हुई है और इससे मैंने पोंछा, ये देखो सारा पानी एक बार में गायब एक बार में। तो यही खास बात है इसकी। और दोस्तों इस क्लॉथ का यूज आप लोग गर्मियों में कूलिंग टॉवल के जैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये होती है नम और नम होने की वजह से ये होती है ठंडी, तो गले पे डालने पर लगता है काफ़ी ठंडा, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है। और हाँ, इसका इस्तेमाल आप लोग अपने पेट्स को नहलाने के बाद पोंछने में कर सकते हैं। अब मेरे पास पेट तो है नहीं, तो मैं बेचारे इसी को ही पोंछ के दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लगभग सेम साइज के तीन अलग अलग टाइप के कपड़े हैं, ये रोए वाली टॉवल, ये अपना सुपर एब्जॉर्बिंग क्लॉथ और ये कॉटन का कपड़ा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि पानी में डुबोने पर सबसे ज्यादा पानी को कौन सा कपड़ा अपने अंदर सोखेगा। वैसे दोस्तों देखा जाए तो इस वाली टॉवल ने सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया, और करती भी क्यों ना, क्योंकि इसके अंदर रेसे होते हैं, तो देख लो इतना पानी। लेकिन भाई इस वाली टॉवल ने भी कम कमाल नहीं किया, इतना पानी बिना रेसों के कलेक्ट कर लिया देखो, और ये कॉटन कपड़ा तो सबसे कम निकला। दोस्तों इस तरीके से हमने इस सैबी टॉवल की कुछ खास बातें देखी, अगर आपने इसके अलावा कोई खास बात देखी तो कमेंट में बताना। और हाँ, इसके बारे में मैंने नेट पे रिसर्च किया तो मैंने पाया, वैसे इसके बॉक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने पाया कि ये एनिमल के लेदर से बना हुआ है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, शायद कुछ लोग ना लें इस वजह से। वैसे मैंने इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप लोग को ये काम है तो आप लोग ले सकते हैं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए। तो भाई इस वीडियो में बस ये सैमी टॉवल ही ना 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 ना